सो गाइस बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। और गाइस मेरा नाम है तुषार और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है आप सभी के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिकेट 24 के न्यू अपडेट के बारे में, जो कि रिलीज़ हुआ था 27 मार्च को, जो कि कल का दिन था। तो कल एक नया अपडेट जो है क्रिकेट 24 में पुश किया गया इनकी डेवलपमेंट टीम द्वारा, और काफ़ी बढ़िया एक अपडेट हमें मिलता है ये। मैं आज की इस वीडियो में आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि कौन कौन से न्यू अपडेट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको इस सब के बारे में जानना है तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखने, जिससे होगा कि आपको सारी इंफॉर्मेशन के बारे में काफी अच्छे से पता लग जाएगा। तो गाइस बिना ज्यादा वक्त गवाए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। और गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारे चैनल को। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो और उन्हें भी कह सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ऐसी इंटरेस्टिंग गेमिंग अपडेट्स के बारे में जानने के लिए। सबसे पहला अपडेट है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग हम सभी इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि फाइनली जो यूनिफॉर्म्स को अपडेट कर दिया गया है इंडियन T20 टीम्स के लिए। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सनराइजर्स हैदराबाद जो है उनका एकदम न्यू जर्सी आया हुआ है, तो वो भी हमें इस गेम में देखने को मिल जाता है। पहला ही अपडेट कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हम सभी के लिए। और गाइस बढ़ते हैं हम अपने सेकंड अपडेट की ओर, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और गाइस ये है कि इसमें हमें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिल जाता है, न्यू एडिशन हुआ स्टेडियम में जो कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है। तो गाइस अगला जो फीचर जो कि मतलब इसमें ऐड किया गया, डिफ़िकल्टी ऑप्शन जो है ऑनलाइन कस्टम मैच में हमें देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ राजीव गांधी जो स्टेडियम है हैदराबाद का, उसे भी अपडेट कर दिया गया है। और साथ साथ जितने भी रोस्टर्स हैं उन सब में अपडेट आया हुआ है, जो कि मतलब जो कि लाइसेंस टीम्स हैं, इसमें जितनी हमें लाइसेंस टीम्स मिलती है उसमें अपडेटेड रोस्टर्स हमें देखने को मिल जाता है। ऑनलाइन क्विक मैचेस से कोई जो हमें इसमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है, और साथ साथ और भी गेम प्ले से रिलेटेड जितनी भी सारी बग्स थे या फिर इम्प्रूवमेंट्स एनहांसमेंट जो आया हुआ है इस गेम में, काफ़ी अच्छा ये मतलब गेम प्ले को इम्प्रूव किया गया इस नए अपडेट में। और गाइस नेक्स्ट जो हमें इसमें हमें देखने को मिलता हुआ है गाइस इम्प्रूव कमेंट्री इसमें इम्प्रूव कर दी गई है, यानी कि गाइस आपको अब थोड़ी बहुत बढ़िया कमेंट्री देखने को मिल जाए। मे बी उतनी कमेंट्री से तो मेरे को इसका ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, बट मे बी न्यू अपडेट में आपको कमेंट्री कुछ अच्छी देखने को मिल सकती है। और गाइस बाकी सारी जो इसमें अपडेट्स हैं वो मेनली यही है, ओवरऑल गेम प्ले के इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड ही है, ग्लिची से रिलेटेड ही है। और बाकी आपको इसमें जो कि बिग अपडेट्स यही थे कि आपको इंडियन T20 टीम्स के लिए यूनिफॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे, साथ साथ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम मिल रहा है, और गाइस आपको अपडेटेड रोस्टर्स और साथ साथ राजीव गांधी स्टेडियम देखने को मिल जाएगा इस गेम में। अब से मतलब राजीव गांधी स्टेडियम में आपको एक अपडेटेड स्टेडियम देखने को मिल जाएगा, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स करी गई है उस स्टेडियम के साथ में। तो ये सारे जो अपडेट्स हैं अभी इस न्यू पैच नोट में आए, जो कि कल के दिन रिलीज़ हुआ था 27 मार्च को, आप ये जाके स्टीम से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से भी एक्सबॉक्स PS5 जहाँ पे भी आप खेलते तो आप हर जगह पे अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस अपडेट को। तो गाइस मिलते हैं ऐसे किसी और एक वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।